हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम एंटी एजिंग साबूदाना फेस पैक बनाएंगे। सो बेसिकली ये फेस पैक आपकी लूज और सैगिंग स्किन को टाइटन करेगा। ये आपके एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल बनाएगा। साथ ही आपकी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर आपके स्किन टोन को इवन बनाएगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आइए इस मैजिकल फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना फेस पैक बनाने के लिए मैंने ये 4 बड़ी चम्मच साबूदाना ले लिया है। ये दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें साबूदाना डालेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड करके इनका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने साबूदाने को अच्छे से ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये 2 चम्मच साबूदाने का पाउडर लेंगे। साबूदाने में स्टार्च पाया जाता है, इसलिए ये हमारी लूज और सैगिंग स्किन को टाइटन करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा हमारी स्किन पर एज एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करता है। और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन भी बनाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई, डल, फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और साथ ही हमारे एनलार्ज ओपन पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा यूथफुल भी बनाता है। नेक्स्ट अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। ये हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को दूर कर हमारी स्किन टोन को इवन बनाता है। और साथ ही हमारे वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब हम लास्ट में इसमें 3-4 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल ऐड करेंगे। गुलाब जल हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। साथ ही इसमें कूलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी सन डैमेज स्किन को भी रिपेयर करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे इस तरह इवनली अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें, या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी लूज एंड सैगिंग स्किन टाइटन हो जाएगी। आपके स्कार्स, एज स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। साथ ही आपके एनलार्ज ओपन पोर्स श्रिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम तो एकदम जड़ से ही खत्म हो जाएगी। तो आप इस मैजिकल फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।